हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे IUPAC नेम ऑफ फिनाल एंड एल्कोहल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि IUPAC ऑफ फिनाल, फिनाल कंपाउंड का आप IUPAC कैसे लिखेंगे, आज इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फिनाल, फिनाल का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच, उसे आप क्या बोलते हैं बेटा, फिनाल बोलते हैं। क्लियर है? अब एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा, जो भी कन्फ्यूजन है बेटा आप क्लियर करते जाइएगा। इसे क्या बोले बेटा, कॉमन नेम इसे क्या बोले, फिनाल बोलते हैं। यहाँ OH CH3 है, यदि CH3 देखिए 1-2 पोजीशन पे है तो क्रिसाल बोलेंगे, 1-3 पोजीशन पर मेटा क्रिसाल बोलेंगे, और 1-4 पोजीशन पे है तो पैरा क्रिसाल बोलेंगे। ये कॉमन नेम होता है, इसे क्या बोले बेटा, फिनाल, आर्थो क्रिसाल, मेटा क्रिसाल और पैरा क्रिसाल। तो ये हुआ हमारा कॉमन नेम। कॉमन नेम आपको क्लियर हो गया होगा, कॉमन नेम क्या होता है तो आपको याद करने पड़ेगा, जब बेंजीन रिंग से OH ग्रुप अटैच हो फिनाल बोलते हैं, जब CH3 अटैच हो क्रिसाल बोलते हैं। किस पोजीशन पे, 1-2, 1-3, 1-4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब दो OH ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच हो और दोनों किस पोजीशन पे हो, 1 और 4 पोजीशन पे, यहाँ चेक करिए 1 3 पोजीशन पे है, और सॉरी OH 1-2 पोजीशन पे कैटेकॉल बोलते हैं, 1-3 पोजीशन पे रिसोसिनॉल बोलते हैं, और 1-4 पोजीशन पे क्यूनाल बोलते हैं। ये हुआ आपका कॉमन नेम। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेंजीन रिंग्स OH ग्रुप अटैच हो तो इसका IUPAC नेम क्या होता है, फिनाल होगा। IUPAC नेम इसे क्या बोलेंगे, फिनाल बोलेंगे। जैसे आपको एनिलीन में मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग से यदि NH2 ग्रुप है तो वहाँ पर क्या बोलते थे, एनिलीन बोलते थे, बेंजीनामाइन बोलते थे। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबरिंग हमेशा OH से देंगे, इसे बोलेंगे 1-2, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2-मेथाइल, क्या बोले बेटा, 2-मेथाइल फिनाल। क्लियर? इस पूरे ग्रुप क्या बोलेंगे, फिनाल बोलेंगे। CH3 किस कार्बन पे है, 2 पे, क्या बोलेंगे, 2-मेथाइल फिनाल। यहाँ पे नंबरिंग दीजिए 1-2-3-4-5-6, ये 1-3 पोजीशन पे है, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 3-मेथाइल फिनाल होगा। क्लियर है? अब इस वाले एग्जांपल की अगर हम बात करें, ये 1 पोजीशन पे है और 4th पोजीशन पे है, क्या बोलेंगे, इसका IUPAC नेम 4-मेथाइल फिनाल। क्लियर है? इसका इससे क्या बोलेंगे, कॉमन नेम IUPAC नेम सेम है, फिनाल बोलेंगे। यदि फिनाल से आपके साइड चेन हो जाएंगे, साइड चेन किस कार्बन पर, नंबरिंग हमेशा यहाँ से शुरू करिए, 1-2, 2-मेथाइल फिनाल, 3-मेथाइल फिनाल एंड 4-मेथाइल फिनाल। क्लियर? अगर इस वाले एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, 1 और 2 पे है, ठीक है, यहाँ पे 1-3 है और यहाँ पे 1-4 है। अगर इस कंपाउंड, यदि बेंजीन रिंग से 2 OH ग्रुप है तो वहाँ पे आप फिनाल नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसका नाम बदल जाता है, कैटिकॉल, रिसोसिनॉल, क्यूनॉल। ठीक है, तो इस केस में इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2-डाइल है, और डाइल केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, याद करिए, बेंजीन, ये बेंजीन हुआ किस पोजीशन पर, 1 और 2, 1-2-डाइल। क्लियर? यहाँ पे 2 OH ग्रुप है, जैसे मैंने बताया था, आप 11 पढ़ेंगे ना बेटा, आप 2 OH क्या बोलते, प्रोपेन, 1-2-डाइल ब्यूटेन, 1-3-डाइल ब्यूटेन, 1-2-डाइल। इसी तरह यहाँ पे 2 OH ग्रुप क्या जाए, 1-2, क्या हो जाएगा, बेंजीन 1-3-डाइल। ये आपका बेंजीन हुआ किस पोजीशन पे, 1-2-3-4-5-6, तो 1-4-डाइल। बेटा इतना नोट करिए, फिर आगे हम कुछ प्रॉब्लम कराते हैं। चलिए देखिए, आपका 2 OH है तो वहाँ पे फिनाल नहीं बोलेंगे बेटा, क्या है, बेंजीन 1-2-डाइल, बेंजीन 1-3-डाइल, बेंजीन 1-4-डाइल बोलते हैं।
इलेवेंथ में तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था, इसलिए आपको कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ प्रॉब्लम और कराते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, पहले प्रॉब्लम नोट करिए। OH CH3 C2 H5 OH 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 NO2 CH3 नोट करते जाइए। OH NO2 NO2 OH NO2 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 OH BR BR भैया पहले इतना नोट करिए बच्चों, फिर आगे प्रॉब्लम कराते हैं। चलिए अब बात करते हैं बेटा, तो नंबरिंग हमेशा हम फिनाल से देंगे। पॉइंट को समझना बेटा, नंबरिंग यहां से देंगे 1। अब यहां पे समझना बेटा, यहाँ लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 1 2 2 पे, अगर आप इसे 1 2 3 4 तो याद करिए, मैंने बताया था कि आप जब भी IPSC लिखेंगे तो नंबरिंग हमेशा उस साइड से देंगे जिधर साइड चेन पहले पा जाए। अगर यहाँ पे आपने दिया तो 1 2 3 4 5 6 किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 पे आ रहा, 2 पे आ रहा, 4 पे आ रहा। अगर आप एंटी क्लॉक चलते तो 1 2 3 4 5 6 1 4 6 क्लियर, ऐसा ही चीज़ें रूल्स बताए हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा फिनाल हो जाएगा, दो साइड चेन दिए मिथाइल एथाइल, तो सबसे पहले अल्फाबेट में ई आएगा तो क्या हो जाएगा इसका IPSC नेम 3-ethyl-2-methyl-phenol। नोट करिए 3-ethyl-2-methyl-phenol। चलिए अगला प्रॉब्लम क्या दिया गया है, ये 3 OH ग्रुप है, नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 4 1 4 6 आप करेक्ट क्या होगा 1 2 3 4 5 6 बेंजीन रिंग है, कितने हैं 3 है, तो यहाँ पर इसका IPSC क्या हो जाएगा, बेंजीन 1, 2, 4 1, 2, 4 ट्राई आल। क्लियर बेटा। चलिए अब यहाँ पे बात करें तो OH ग्रुप है, यहाँ पे NO2 CH3 नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5 6 अब यहाँ पे साइड चेन में 2 दिए गए हैं नाइट्रो मिथाइल, पहले M आता है फिर N आता है, इसका IPSC क्या हो जाएगा 4-methyl-2-nitrophenol। क्लियर, यहाँ पे हम बात करें नंबरिंग यहाँ देंगे 1 2 3 4 5 6 क्लियर। अगर आप एंटी जाते 1 2 3 4 5 6 5 पे आता 6 पे आता, लेकिन ये आप क्लॉकवाइज गए 2 और 3 पे आया,
जिसका आईपीएसी नेम हो जाए 2.3 2.3 डाई नाइट्रो, इसे क्या बोलेंगे, फिनाल बोलेंगे। इस वाले एग्जांपल की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो NO2 किस कार्बन पर आ रहा है, 2 पे आ रहा 4 पे आ रहा 6 पे आ रहा, क्या बोलेंगे 2.4.6 ट्राई नाइट्रो फिनाल। क्लियर। इस वाले एग्जांपल की बात करें, यहाँ चेक करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ब्रोमो है, किस कार्बन पे है, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। फटाफट इसको नोट करिए। दो तीन प्रॉब्लम और करा देते हैं। चलिए NO2 Br चले बेटा, सारे रूल्स को समझते जाइएगा। आईपीएसी यहाँ पे देखिए, फिनाल शुरू करेंगे 1, 2 पे आया, इधर गए 1, 2, 3 पे आएगा तो प्रेफरेंस किधर देंगे, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आईपीएसी क्या हो जाएगा, 2.5 डाई नाइट्रो फिनाल। क्लियर। यहाँ चेक करिए 1, 2, 3 यही होगा 2.3 डाई ब्रोमो फिनाल। क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, नंबर यहाँ देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पर जाएगा 2.4 डाई ब्रोमो फिनाल। बेटा आईपीएसी समझ में आ रहा होगा कैसे नंबरिंग के बारे में, यहाँ पे समझना है बेटा, यहाँ पे 1, 2 इधर भी आए 2, 3, 4 इधर से भी गए बेटा 2, 4 प्यार आ रहा है 1, 2, 3, 4 वन प्यार है, 2 प्यार है, 4 प्यार है इधर भी गए 1 प्यार है, 2 प्यार है, 3 प्यार है, 4 तो वहाँ पे चेक करेंगे अल्फाबेट में पहले कौन आता है, बी मतलब ब्रोमो, एन मतलब नाइट्रो, पहले बी आता है एन आता है, पहले बी आता है तो आपका ऑर्डर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है। तो 4, 5, 6 यहाँ तक क्लियर हो गया। अब साइड चेन में क्या क्या दिया गया, ब्रोमो एथाइल नाइट्रो, अल्फाबेट में कौन आता है पहले, बी, तो 2 ब्रोमो 4 एथाइल 4 एथाइल 6 नाइट्रो फिनाल। क्लियर बेटा, 2 ब्रोमो 4 एथाइल 6 नाइट्रो फिनाल। तो इस तरह बेटा आपका आईपीएसी नेमा फिनाल कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू। अब हम बात करेंगे आईपीएसी नेम ऑफ एल्कोहल के बारे में।